शादीबाज है, पर्टिकुलरली क्या सब्जेक्ट है और कितना एंटरटेन करेंगे, प्लस कास्ट के बारे में बताइए कि कास्ट कौन है मैं बताऊँ? जस्ट किडिंग, शादीबाज नाम से भी आपको समझ में, आपने सुना होगा इश्कबाज, तो अ पर्सन इज डूइंग सेम थिंग कंटिन्यूसली, इट इज द बेस. सो शादीबाज का मतलब ये, अ मैन इज डूइंग मल्टीपल मैरिजेस. और मेरा ये मैसेज उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा या आपको कोर्ट से आपकी सहमति नहीं मिलेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है. अगर आपने गलत किया है तो कोई तो होगा आवाज़ उठाने वाला, और उसका उसका सपोर्ट, उसका उसके साथ यूनिवर्स रहता है, तो ऑफकोर्स न्याय मिलेगा. और ये मेरी फिल्म यही इसी से रिलेटेड है. एक इंसान बहुत सारी शादियां करता है और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, तो यही बेस है हमारी फिल्म का. पर्टिकुलर क्या इंस्पिरेशन था, एक रियल लाइफ इंसिडेंट ऐसा आपने देखा कोई आसपास माहौल में, या कोई पिक्चर का ये रीमेक है, पर्टिकुलर क्या है? नहीं, कोई किसी ट्रू इवेंट से तो रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. एक कहानी है, एक अच्छी कहानी मुझे मिली और मुझे ऐसा लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक कैसे दहाड़ फिल्म आई थी, दहाड़ वेब सीरीज आई थी, डॉली की डोरी, इन सबका समवेयर कॉन्सेप्ट एक था, लेकिन ये जो शादीबाज है ये बिल्कुल अलग कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, बट जब भी आप देखेंगे तो आप ज़रूर रिलेट करेंगे, और ये एकदम अलग स्टोरी है जो हम लोग लेकर आ रहे हैं. देखा है कि एक लड़का है, मैंने अभिलाष चौधरी जो हमारे फिल्म के हीरो, उनको रावण बना दिया था. नहीं, ये मैंने कहा ना, मैं कंफ्यूज तो मैं करूँगी, उसमें मैं बहुत माहिर हूँ. तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट, वो पहला पोस्टर था, अभी सेकंड पोस्टर हमने शूट किया है, उसमें हमारे राजीव सेन हैं और विपिन भारद्वाज भी हैं, एंड हमने अभी फीमेल लीड को भी छुपा के रखा है. लेट्स सी किसकी झोली में रोल गिरता है. खुशी मैम, आप बताइए आपका एसोसिएशन और ये मैम के बारे में, प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली जो कितना रियलिस्टिक लगता है कि ऐसा होता है सोसाइटी में. अगर आपसे ये बात कहूँ कि ये रियलिटी है, तो अगर ये बिल्टा ट्रूथ है तो भी है तो है, क्योंकि इन रियलिटी वुमेन फेसेस लॉट ऑफ थिंग्स सच. एंड जैसे कि इन्होंने अभी कहा शादीबाज, देर आर पीपल हु गेट इन टू मल्टीपल मैरिजेज, जहाँ औरतों को पता नहीं होता फर्स्ट या सेकेंड की, एंड दे फेल इन लव, इट्स अ ब्लाइंड फेथ वॉट दे हैव, एंड दे एंड अप. और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हम सुनते हैं, पर इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा. सो आई फील अनलेस एंड अनटिल यू रेज द वॉइस, इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड हर मैसेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर एवरी वन. येस, एवरी इंडिविजुअल हु गोज थ्रू ऑल दिस स्टफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज द वॉइस. और औरतों को न्याय ज़रूर मिलेगा, सिर्फ एक आवाज़ उठाने की ज़रूरी है, और फैमिली जो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत. तो ये एक ऐसा मैसेज उनको देना चाहते हैं. और हमारे यहाँ पे बॉम्बे में ही नहीं, आई हैव सीन पीपल इन स्पेसिफिकली, आप स्मॉल टाउन्स में जाओगे तो वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है. तो ये मैसेज गांव गांव तक पहुँचे, ये इनकी कोशिश है, और हम सब यही चाहते हैं कि ये हर कोई देखे फिल्म, ताकि उनको पता चले रियलिटी का फेस, रियलिटी का एक मिरर देखने मिले. खुशी मैम तो हमेशा सपोर्ट रहा. आपको मालूम है जब मैं बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी, जब मैं खड़ी, मैंने उस दिन बोला मैंने कहा फंक्शन में, तो वो बात सच है कि मैं आई फंक्शन में और जब खुशी ने मुझे गले लगाया, एंड सच में जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, और आज आप देख रहे हैं कि परफेक्ट वुमेन ने मेरा कितना सपोर्ट किया है. जब इरम स्टार्ट कर रही थी, सबसे पहला चीज़ एक ही था कि इनमें वो जज्बा था, तो डेफिनेटली फिर एक रीज़न हो जाता है मैं, आप, हम सब. ये मेहनत इनकी है, कोशिश इनकी है, लक्ष्य इनका है, तो पहुंचना इनको ही है. हम सब आप में, हम सब सिर्फ ऐसे खड़े हैं ताकि वो कहीं पर भी जरा भी फील हो तो वी आर देयर टू हेल्प. हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं होगा, 100% होना ही चाहिए. मेरे यहाँ नहीं, हर यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट जब अच्छा बनता है डेफिनेटली हम सबको साथ देना चाहिए, एंड दिस इज हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर. इंडियन सिनेमा एक है, अलग अलग नहीं है, तो हम सबको साथ देना है, हम सबको आगे बढ़ाना इक्वली इंपॉर्टेंट. आपका फिल्म निर्माण क्षेत्र कैसा है, पहले भी आपने फिल्म बनाई है, कितना आसान है मुश्किल था फिल्म बनाने का सफर जो हुआ? इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. ऐसा नहीं है कि मैं सच बताऊँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो हीरोइन के लिए स्ट्रगल है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी स्ट्रगल है. एंड आई एम सेइंग ऑन दिस कैमरा, इट इज़ राइट.
मैंने जब फिल्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, मैंने चाहे मीत मिस्टर चैंग बनाई या फिडोरा रिंकस बनाई, सबको बहुत ही उम्दा चीज़ें चाहिए. जनता का हाव भाव बदल रहा है, पीपल आर थिंकिंग सो डिफरेंट थिंग्स. सो उस जॉनर को हमको ध्यान में रखते हुए, उनका इंटरेस्ट रखते हुए फिल्म बनानी पड़ती है. बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते हैं एंड आई लव चैलेंज, और मैं वो कर ही रही हूँ. लेकिन मैं सबकी सुनती हूँ, मुझे लगता है कि सबके बारे में जान, सबकी राय जानने के बाद मुझे जो समझ में आया कि दिस इज़ द बेस एंड आई कैन मेक अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट ऑन दिस. सो इट्स इन माई हैंड, आई एम मेकिंग. आज शादी बास का पहला आइटम सॉन्ग है जिसको कोरियोग्राफ किया है फिरोज खान जी ने, जो कि बहुत नोन कोरियोग्राफर आप जानते हैं, एंड इज़ अ वेल नोन कोरियोग्राफर एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है. और हमारी हिना पांचल हमारी आइटम गर्ल है, सॉन्ग के बोल हैं कहाँ है सलीम साला. तो ये सॉन्ग की हमारी शूटिंग हो रही है और सेट लगा हुआ है. आप नॉर्मली अगर इनकी फिल्म्स देखोगे तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस के साथ में होता है, और ऐसी ही फिल्म्स बननी भी चाहिए. आज के दौर में जब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं, काफ़ी ऐसी फिल्म्स बनती है जहाँ पे मैसेज नहीं होता. एक चीज़ है जो मुझे इनके हर प्रोजेक्ट को ड्रिवन करती है, वो ये है कि इनके हर मैसेज में ज़्यादातर एक मैसेज होता है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है सोसाइटी पे. आज इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड वे वी सी पीपल आर यू नो लाइक गोइंग अहेड एंड स्क्रॉलिंग रील्स एंड लर्निंग डिफरेंट एक्ट्स, बट इनके प्रोजेक्ट में आप ये चीज़ देखोगे बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक होता है, बहुत ज़्यादा सोशल मैसेज होता है. और इनको मेरे ख्याल से बहुत ही एक नेशनल अवार्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ यूथ को बेस नहीं है, वो सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज और एक वी कैन से हर किसी को एक मैसेज इस तरीके से देते हैं ताकि वो उस पर अमल करे और उस पर सक्सेसफुल बने. तो हर वुमेन इन पर प्राउड फील करती है. तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री करते हैं तो कितना आसानी मुश्किल था, और किसका सपोर्ट मिला? मतलब खुशी में तो है ही, और भी इंडस्ट्री को किसी इंसान का सपोर्ट मिला? मुझे मीडिया का सपोर्ट मिला. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, मेल डोमिनेटिंग है, लेकिन वुमेन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बात बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. जिस तरीके से ये कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस इनको 100% फेस करने होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को एज अ फीमेल और मेल दोनों को अपने आप में बचा के दबा के अपने आप को प्रेजेंट करना, ये बहुत टैलेंटेड आर्ट है जो ये कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बिग फिल्म नाउ एंड हमने स्टार्ट की थी अभिलाष, रिमेम्बर? हमने स्टार्ट किया था इस फिल्म को, फिल्म नहीं जैसे डिफरेंट थिंग म्यूजिक वीडियो से स्टार्ट किया था. बट फिर अभिलाष को देखने के बाद मुझे लगा कि ही इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर एवर आई नो, एंड जिस हमें जिस तरीके से रोल में चाहिए था ही इज़ एग्जैक्ट फॉर दैट. लोगों ने बहुत मुझसे क्वेश्चन किया क्यों क्या, तो मेरा आंसर है प्लीज़ अभिलाष की आप बस एक्टिंग लेना, यू विल ऑल गेट द आंसर्स. एंड उसके बाद हमारे राजीव सेन जी की एंट्री हुई. इट इज़ एक्चुअली यूनिवर्स से लिखा था, एंड अगस्त जोशी का जो रोल है ना, ओनली राजीव सेन कैन डू इट. ये मुझे इन्होंने एक्टिंग अभी की नहीं है, स्टार्ट ही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ यकीन ना ऊपर वाला बना के देता है. तो आई एम रियली ब्लेस कि इतने अच्छे एक्टर्स हमारे साथ हैं, इतने सोने मुंडे मेरे साथ हैं. और शादीबाज बड़ी बनती जा रही है आप सबकी दुआओं से, एंड इट्स अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बस एक लड़ाई है समाज के सामने एक औरत की, जो आप जल्द ही देखेंगे और अलग अलग रंग देखेंगे. और जहाँ भी बात आती कि हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होता है, तो वो आइटम सॉन्ग की बात हुई तो मुझे सबसे पहले एक ही का ख्याल आया, हमारी हीना पांचाल का. और मेरे लिए वो हीना पांचाल ही है, एंड शी इज़ अमेजिंग. पहले भी हम काम कर चुके हैं फिडोरा रिंकल्स में, शी वॉज अमेजिंग दैट टाइम ऑल्सो. हमारी फ्लोरा थी, अब हमारी अनारकली है. तो यू कैन सी हर ब्यूटी, एंड मुझे ऐसे लगता है कि इस सॉन्ग में इनकी ब्यूटी वैसे तो खूबसूरत है ही, उससे ज़्यादा इनकी ब्यूटी निखर के आई है. तो मैं देख रही हूँ कि हमारी फिल्म है, लोग अपना मान रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अभिलाष और राजीव ने इस फिल्म को दिल से अपनाया है. इससे ज़्यादा एक प्रोड्यूसर के लिए अच्छा क्या होगा? ये एक ये सलीम साला गाना है, काफ़ी मधुबाला टाइप में, और थोड़ा सा इंडियन और वेस्टर्न तड़का है इसमें, और थोड़ा सा हॉलीवुड भी है, टॉलीवुड एज एन लाइक
टॉलीवुड का वो धतर 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 धतर। सो ये जब गाना आया उसमें लड़की के बारे में बोल भी रहे और उसको मुझे उठाना है, जैसे कि योर लाइनर्स ना तू अनारकली, ना तू अनारकली तुझसे सेक्सी तो चिपकली, इमेजिन द लाइंस ऑफ द सॉन्ग। सो मुझे उसको आउटबर्स्ट करना था एंड आई वांटेड टू प्रूव दैट करके कि छिपकली हो या कुछ भी हो, इट्स लाइक यू जस्ट हैव टू बी यू। दूसरे गाना जो है बहुत पेपी गाना है और अनारकली बेस्ड है, और आजकल के आइटम सॉन्ग्स जैसे होते हैं ये उससे थोड़ा सा हटके है। सो इसीलिए मैंने ये गाना करना करने का सोचा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एरम, एंड थैंक यू एरम एंटरटेनमेंट, जो कि आपने मुझ पे इतना विश्वास जताया है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक मेरी जो भी फिल्में आई हैं, सीरीज आई है, उस सबसे हटके इसमें मैं काम करने वाला हूँ। जो ये कैरेक्टर है ये बहुत ही एक अलग टाइप का कैरेक्टर है, और मैं थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि हाँ यार अभी कुछ लीक से हटके कुछ करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एरम। और रही बात इस सॉन्ग की, तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है और शी इज़ जस्ट फैंटास्टिक। और जैसा कि अभी आपको हमने थोड़ा बहुत लिरिक्स के बारे में बताया है सॉन्ग की, तो ये बहुत ही कैची सॉन्ग है, बहुत ही एक डिफरेंट सा सॉन्ग है, एंड आई एम श्योर ये रॉक करने वाला है। सर जैसे कि आपने कहा कि आपका किरदार अलग डिफरेंट है, हाँ जी, किरदार क्या डिफरेंट है? सी देखो, कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, सो आप समझ सकते हैं इस बात को। अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक मोस्ट प्रोबली मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं, इट्स लाइक या तो एकदम नेगेटिव, और नेगेटिव जो कि देखते ही बनता है, एक लुक होता है बेसिकली। अगर आप कभी भी कोई पोस्टर देखते हैं किसी फिल्म का, या फिर आप टीजर देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, तो यू जस्ट कि हाँ यार ये बंदा ये इस फिल्म का विलेन है, बिना किसी के बताए आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा देख के इस कैरेक्टर स्केच को, कि यार ये बंदा हीरो है या फिर ये विलेन है। तो ये कुछ एक, और इसके डिफरेंट शेड्स हैं फिल्म में, सिर्फ एक शेड नहीं है कि हाँ थ्रू आउट फिल्म में स्टार्ट टू एंड ये एक जैसा फ्लो में है। वो आपको दिखेगा जब आप फिल्म देखोगे। कभी कभी आपको मे भी हो सकता है फिल्म में देखो आप, अरे नहीं यार ये तो बेचारा है, ये तो विलेन नहीं हो सकता, या फिर यार ये तो हीरो नहीं लग रहा, ये तो मेरे को विलेन लग रहा है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। इट्स लाइक दैट। ग्रे शेड है, ग्रे शेड है। ये मैं अभी नहीं कह सकता। इधर ही पूछ लो सब कुछ, मूवी देखने को नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। नो, फर्स्टली थैंक यू एरम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग ऑफ अ लॉयर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, तो इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं। तो इरम सिर्फ एक गाने पे हो या फिर आप और कुछ फिल्में पे? नहीं, सिर्फ गाने में। गाने में इसीलिए हो क्योंकि ये उठकर आने वाला है गाना, इसीलिए मैं सिर्फ गाना करना पसंद। बिलीव मी गाइस, ये गाना जो कर रही हैं और पूरी फिल्म के बाद, मैं गारंटी लेता हूँ कि लोग उस गाने को और इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ट्रस्ट मी, सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता, तो हीना जो कर रही हो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, ट्रू। कितने गाने हैं कितने गाने हैं फिल्म में, कितने गाने, एक गाने का असूल हो रहा और कितने गाने बाद में करें शादीबाज। मैंने बहुत पहले सुनी थी स्क्रिप्ट, और आई लव द स्क्रिप्ट बिकॉज इरम जी इसको बहुत दिल से बना रहे हैं, एंड अभी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, आज शूट पे आके देख रहे हैं तो ज़बरदस्त फीलिंग है यार, बहुत अच्छी बनने वाली फिल्म। मेरे किरदार में बहुत ट्विस्ट हैं तो वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, बट आई एम अ डिसेंट गाय, जो उसमें जो लाइट मोमेंट्स लाता है वो कैरेक्टर मेरा है पूरी फिल्म में। आई एम पॉजिटिव गाय जो पूरी फिल्म में लाइटली, मतलब लाइट मोमेंट्स लाता है, दैट इज मी ओनली। हाँ, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता हूँ ना ये तो काफ़ी कुछ है उस कैरेक्टर में, जो मैं वही बता रहा हूँ कि काफ़ी कुछ है उसमें कैरेक्टर में, बट या आई एम अ डिसेंट गाय इन दिस फिल्म। जो स्वीट स्वीट चीज़ें, जो लाइट मोमेंट्स होंगे वो मेरी तरफ से आपको ज़रूर मिलेंगे। इरम मैम बहुत सपोर्टिव हैं और हर चीज़ को, मतलब वो ध्यान से सुन रही हैं और बहुत सीरियस ले रही हैं फिल्म को, सो दैट इज़ द ग्रेट थिंग कि आप इतना फोकस से काम बहुत लोग करते हैं, बट फोकस, राइट फोकस, कितना कितना आप ध्यान दे रहे हो चीज़ों पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले शूट भी किया था, पोस्टर शूट, तो वो भी बहुत ही
बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, आज भी शूट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। सो यार इरम जी ऑलवेज मैं कुछ भी क्वेश्चन होते हैं मेरे, मैं कभी भी पूछ लेता हूँ कि अच्छा ये कुछ ऐसा है, तो हर चीज़ का एनी टाइम जवाब देती है। हाँ सलीम साला मैंने बहुत पहले सुना था जब मैंने फिल्म साइन की थी, एंड आई लव द म्यूज़िक एंड बहुत अच्छे लोग, अब फिरोज सर कोरियोग्राफ करे तो यार ऑफकोर्स बहुत अच्छा होने वाला है, एंड हीना इज़ वेरी गुड डांसर, एंड अभिलाष और राजीव भाई हैं, तो यार मज़ा आने वाला है इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी तो चालू नहीं हुआ, बट इट्स ओके, द फर्स्ट डे वी आर शूटिंग फॉर द सॉन्ग, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, रियल स्टोरी है, तो कॉस्ट्यूम करने में मज़ा आया, ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी नाइस। तो जब मुझे इरम ने स्टोरी सुनाया तो इट वॉज अमेजिंग, एंड आई थॉट कि लेट्स डू इट। कितना असर रहा इरम मैम का, ऑफकोर्स, तो एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एंड स्टाइलिस्ट आई ऑलवेज डिज़ाइन द कैरेक्टर्स, तो वैसे ही हुआ, एंड द डायरेक्टर के साथ बैठ के हम लोगों ने कंसल्ट किया, एंड उसके बाद ये हम लोग जो लुक्स है, हम लोग लुक सेट भी कि आपके पास ये भी पोस्टर आ जाएंगे, आई थिंक विद इन नेक्स्ट वीक यू विल गेट द पोस्टर्स, तो उसके बाद यू कैन सी हाउ दिस। नो दिस इज़ नॉट माइन, ये बहुत पहले से आई थिंक डिसाइड हो गया था, तो ऑन दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेलेबल, तो अब ये गाना वो लोग जैसे किया है सब बहुत पहले से ये करके रखे थे। थैंक यू, थैंक यू। और ये भी एक गाना है, उसका नाम है मैं हूँ मधुबाला, कहाँ है मेरा सलीम साहब जी। आर्टिस्ट कौन कौन है? आर्टिस्ट इस गाने में है हिना पंचाल जी, जो हमारे बहुत ही अच्छी डांसर है, वो ये उसमें परफॉर्म कर रही है, और बाकी अभिलाष चौधरी जी है एंड राजीव सेन जी है। इससे क्लब नंबर है क्या? इससे काइंड ऑफ क्लब नंबर ही है, वेरी पैपी सॉन्ग, वेरी नॉटी सॉन्ग है ये, जो जैसे आप सुनते हो ना आपको थिर चालू कर देते हो, ठीक 1 2 3 4 ऐसे करते। अच्छा आज से ये फ्लोर पर चली गई, आज मुहूर्त हुआ है फिल्म का, क्या कहेंगे? यस मुहूर्त हुआ है, आज से फिल्म पर चली गई है, इस पर हमने अपने आज गाना शूट किया है, बाकी सेकेंड शेड्यूल का ऐसे हम करते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते जाएंगे। मल्टीपल सिटीज में होगी, क्योंकि कहानी मल्टीपल सिटीज की है, एक बंदे की, एक बंदी की कहानी है जो एक मल्टीपल सिटीज में हम ये कर रहे हैं, एक्वेट कर रहे हैं। जी क्या बोल रहे हो? जी रमजान में चल रहा है, तो उसके सबको एक करूँगा, मुबारकबाद दूंगा, और मैं जल्द, अभी ईद भी आ रही है तो सबका रमज़ान अच्छे से जा रहा है, आज 22वां रोज़ा है, तो बहुत ऊपर दे रहा है सबको ना रोज़े रखने की ताकत, सबको ऐसी ताकत देते रहे, और ऐसे ही अब होली पाक मंथ का है, मंथ है। कहूँगा आप हम लोग बहुत मेहनत से फिल्म बना रहे, देखो मज़े लो, एंटरटेन हो जाओ, और मैं एक स्पेशल थैंक्स कहूँगा हमारी प्रोड्यूसर साहबा को, जिसने इरम फरीदी को, जिसने हमको ये लाइक यू नो एक मौका दिया है, तो खुले हाथ से फिल्म को बनाने का, और खुले अलग पूरे से हाथ पूरे खोल दिए है, आप जितनी लाइक यू नो फिल्म फुल फ्रीडम देके हमें फिल्म बना रहे हैं, तामझाम पूरा आप देख ही रहे हो, कितना पूरा सब तामझाम आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है, ए बी सी डी सब आ चुका है, तो हम बहुत ही दिल से फिल्म बना रहे हैं, अब हर किसी को रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप देखो और फिर गाइए करो कि हाँ अच्छी है बुरी है जो भी है। नमस्कार, मैं एक्टर प्रोड्यूसर विकी हारा, और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, और इतनी सारी मीडिया देख रहा हूँ तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इरम ने काफ़ी अच्छा, मैं इरम को जब से जानता हूँ, जब वो मुंबई में आई थी तभी से वो फोकसली बहुत बड़े प्लान्स लेकर आई थी, और अभी वो अचीव कर रही है, और मेरी बेस्ट विशेष है उसके साथ में, उसके गाने के साथ में, उसकी फिल्म के साथ में, कि ये एक बार बहुत बड़ी प्रोड्यूसर जाके बने, और यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा गाना है, मैं फिरोज मास्टर को भी जानता हूँ, जो बहुत अच्छा बड़े बड़े जो काम करते हैं वो ये गाना कर रहे हैं, तो मेरी बेस्ट विशेष है इन लोगों के साथ में और इरम के साथ में, कि इरम फरीदी एक दिन तुम सब बड़े स्टारों के साथ में फिल्म बनाओ, इंक्लूडिंग मी सर, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे साथ हमारे बहुत मेरी फैमिली है, और वो मेरी फैमिली है हमारे प्रतीक्षा मैम और दारू सर,
मिस्टर राजकुमार धारू एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे आइटम सॉन्ग के शुभ मुहूर्त पर, शादीबाज के शुभ मुहूर्त पर सर और मैम आए मुझे सपोर्ट करने के लिए. कौन कहता है कि फैमिली दूर होती है तो कुछ अच्छा नहीं होता. मैम और सर जैसे लोगों का सपोर्ट होना, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं. मैम खुद एक अपने आप में इंस्पिरेशन है. मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है और सीखती रहूँगी. आई एम ऑलवेज विथ यू आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल. अगर हम इस नतीजे पे पहुँची है, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने लाइफ में, तो मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है कि ये मूवी बहुत सक्सेस मिले और उसने जो एफर्ट लिया है वो उसका हकदार है. थैंक यू मैम. मेरी एरन जी को एक ही कहना है कि जितना शॉर्ट टर्म में उन्होंने सक्सेस लिया है, इससे और बहुत ज़्यादा स्पीड में उनका सक्सेस मैं उम्मीद करता हूँ अगले एक साल में. ये मूवी बनाने में ना एक अकेले का सब ये नहीं रहता है, पूरा टीम वर्क रहता है. तो पूरा टीम के लिए और एरम के लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस है. थैंक यू. थैंक यू सो वेरी मच.